for the interruption, beta. We'll continue with our chapter. So I was telling you about the non-metallic minerals. These are limestones, which is called chuno, mica, which is used for soap and cosmetics, salt, diamonds, mineral oils and petroleums. Different mineral oils होते हैं, fuels होते हैं, that all are known as the non-metallic minerals, जो hard नहीं होते और shine नहीं करते हैं. Okay? Many things that we use in our daily life come from minerals. Identify one mineral in each of the following picture. आपकी book में भी ये picture दिया गया है. बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारा मिनरल है. यहाँ पे हमें 4 पिक्चर दिए गए हैं. आपको मुझे ये बताना है कि ये 4 पिक्चर में कौन कौन सा मिनरल यूज हुआ है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर आपको नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगी, लेकिन पहले आप लोग इसमें ट्राई कर लीजिए. ओके, चलो. Now, here are some examples of everyday items that contains minerals. अब हमारे डे टू डे लाइफ में कौन सा मिनरल कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में हम जानेंगे. ये आपको एक फ्रेम दिख रहा है, एक ब्रिज का फ्रेम दिख रहा है जिसमें कौन सा मिनरल यूज हुआ है. वो उसमें हुआ है स्टील, जो किससे बनता है, आयरन से बनता है. स्टील अपने आप मिनरल नहीं है, लेकिन आयन जो मिनरल है उसमें से स्टील बनाया जाता है. आपने स्टील देखा होगा, हमारे घर में भी स्टील के बर्तन होते हैं, फ्रेम्स होती है ना, और आयन भी आपने देखा होगा. तो दिस इज वन फ्रेम, दिस इज अ फ्रेम ऑफ वन ब्रिज विच इज मेड फ्रॉम स्टील. द स्टील यूज इन अवर बिल्डिंग इज मेड विथ आयन विच इज अ मिनरल. बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, हाउसेस में बहुत जगह पर स्टील यूज होता है. जो आयन, जो मिनरल आयन होता है उसमें से बनता है. क्ले पॉटरी, पोर्सिलेन, क्ले पॉटरी, पोर्सिलेन डिशेस एंड ग्लासेस टू आर मेड फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स. मट्टी के बर्तन, पोर्सिलेन जिसको हम सिरामिक डिशेस कहते हैं. देखो ये यहाँ पे हमें एक कैटल दिख रहा है ना, वो सिरामिक का बना है. ग्लास, वो सब किससे बनते हैं, वो रॉक से बनते हैं, रॉक के पत्थर से बनते हैं, और वो भी मिनरल से बनाए जाते हैं. ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. हमारे घर में सिरामिक्स के बर्तन होते हैं, सिरामिक्स के पॉट्स होते हैं, ग्लासेस, कांच जिसको बोलते हैं, उसको क्ले पॉटरी, वो सारे रॉक्स और मिनरल्स से बनाए जाते हैं. ब्रिक्स, ब्रिक्स पता है ना, ईंट जिससे हम घर बनाते हैं. ब्रिक्स आर मेड यूजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स सच एज सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन. ब्रिक्स किससे बनता है, वो रॉक से बनता है और डिफरेंट मिनरल्स से बनता है, जैसे सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन, जो नेचुरल मिनरल्स कहलाते हैं. ये है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट मतलब हमारे किचन में, हम अब देखना आपके किचन में जो प्लेटफॉर्म होता है ना ऊपर, जिसके ऊपर गैस स्टोव रखा होता है, वो प्लेटफॉर्म एकदम ब्लैक शाइनिंग कलर का होता है, शाइनिंग मटेरियल का होता है, जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं. वो एक रॉक है, वो भी एक नेचुरल मिनरल है. द काउंटर टॉप्स इन अवर किचन माइट बी मेड ऑफ ग्रेनाइट विच इज अ रॉक. काउंटर टॉप्स मतलब ऊपर का हमारे किचन में जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम काउंटर टॉप्स कहते हैं, जो ज्यादातर ग्रेनाइट से बनता है, जो ग्रेनाइट एक रॉक है, एक नेचुरल मिनरल कहलाता है. आपके सबके घर में ये प्लेटफॉर्म होगा, है ना. नाउ मैंने जैसे ही पहले आपको बताया कि कई ऐसे मिनरल्स हैं जो हम खाते भी हैं, जो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड न्यूट्रिशंस होते हैं, वो होते हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स दैट अवर बॉडी नीड्स. सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट पोटेशियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसीलिए हमेशा मम्मी है, स्कूल या फिर टीचर है, आपको हमेशा वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने का
फोर्स करती है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर समझ में आ गई है। अगर आपको ये दो वीडियो में से कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में वापस जल्दी मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।